सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं भी खाटू श्याम जी के रंग में रंग गया हूँ। ये काफ़ी सुंदर दृश्य है, यहाँ का जो दृश्य है काफ़ी सुंदर है। आप जब यहाँ आते हैं तो आप एक अलग ही दुनिया में ऐसे लगता है कि आप पहुँच गए हों। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बहुत ही खास ब्लॉग वीडियो में। मैं आज आपको लेकर आया हूं खाटू श्याम जी के शरण में। तो अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये खाटू श्याम जी का तोरण द्वार है। इस तोरण द्वार का बहुत ही खास महत्व है और ऐसी मान्यता है कि अगर आप यहां मंदिर पर आते हैं, खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं, तो आपको इस द्वार पर मत्था टेकना पड़ेगा और उसके बाद ही अपना यहाँ पर आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो में मेरे साथ खाटू श्याम जी के दर्शन करें। खाटू श्याम जी कैसे पहुंचे, इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है। इस वीडियो के बाद उसे भी ज़रूर चेक कीजिएगा। श्याम प्रेमियों के बीच ये मान्यता है कि रिंगस से निशान यानी झंडा लेकर वह खाटू श्याम जी तक, जो कि लगभग 17 से 20 किलोमीटर है, पैदल नंगे पैर ही वह जाते हैं। इनमें वो भक्तजन भी होते हैं जिन्होंने कोई न कोई मन्नत मांगी होती है और वह बाबा के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। तो वह उस मन्नत के पूरा होने पर वह यहाँ पर खाटू श्याम जी आते हैं और इस तरह से यात्रा कर तोरण द्वार तक निशान लेकर पहुँचते हैं। पा रहे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज एकादशी है और एकादशी में यहाँ के दर्शन करने की मान्यता बहुत ज़्यादा मानी जाती है। और अगर आप चारों तरफ देखेंगे मेरे, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे यहाँ भक्तजन हैं यहाँ पर। ये जैसा आप देख पा रहे हैं सभी यहाँ पर अपने निशान लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं तोरण द्वार में और आगे खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रकार के वाहन से यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको अपनी व्हीकल जो है वह तोरण द्वार पर ही छोड़नी होगी और वहां से आपको मंदिर तक पैदल ही चलना होगा। यकीन मानिए, यहां का माहौल इतना भक्तिपूर्ण होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब मंदिर पहुंच गए। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं यहां का जो दृश्य है वो बहुत ही विहंगम दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। और ये सभी ये जो तोरण है, जो निशान है, जो लोगों ने जो पताका हाथ में ले रखा है, इसकी जो जो देखने में जो है ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। जैसा आप देख पा रहे हैं भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। आज एकादशी है और यहाँ पर जो एकादशी में जो दर्शन करने की जो मान्यता है उसकी वो बहुत ज़्यादा वो दृढ़ मान्यता है इसके लिए। तो बहुत ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एकादशी के दिन यहाँ पर दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है, अच्छा होता है और इसका फल बहुत ही अच्छा मिलता है। मंदिर के रास्ते में आपको बहुत सारे दुकानें मिलेंगी जिसमें से आपको प्रसाद की दुकानें और बहुत सारे सामान जैसे चूड़ियाँ, कपड़े, गिफ्ट आइटम आदि की दुकानें देख पाएंगे आप। सो
सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं भी खाटू श्याम जी के रंग में रंग गया हूँ। ये काफ़ी सुंदर दृश्य है, यहाँ का जो दृश्य है काफ़ी सुंदर है। आप जब यहाँ आते हैं तो आप एक अलग ही दुनिया में ऐसा लगता है कि आप पहुँच गए हों। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ के दर्शन करा पाऊँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा, पिछले साल यहाँ पर भगदड़ मच गई थी, जिसके कारण मंदिर 2 महीने तक बंद रहा था। उन 2 महीनों के दौरान यहाँ काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन काम किए गए, रिनोवेशन किया गया और बहुत सारी फेरबदल किए गए, और मंदिर को सभी भक्तजनों के लिए फरवरी 2023 में खोल दिया गया था। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, अब भी यहाँ भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, पर वैसी भगदड़ वाली स्थिति अब यहाँ नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, अच्छी तरह दर्शन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा। सामने आप मंदिर के अंदर जाने का गेट देख रहे हैं। अगर आप मंदिर को फेस करते हैं तो जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइन है, आप उसी लाइन में लगे, क्योंकि यहाँ से आप सबसे नज़दीक से बाबा के दर्शन कर पाएंगे। खाटू श्याम जी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 9 से 11 बजे के बीच यहाँ पहुँच जाएँ, ताकि आप दिन भर मंदिर के दर्शन कर पाए और शाम को अपने घर के लिए वापसी की गाड़ी पकड़ सकें। वैसे मैं आपको बता दूं कि मंदिर 24 घंटे खुला होता है और आप कभी भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में किसी भी तरह का प्रसाद या चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता, तो यह टोटली आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप प्रसाद ले जाना चाहते हैं या नहीं। वैसे खाटू श्याम जी को गुलाब के फूल चढ़ाया जाता है। तो सो फ्रेंड्स, हमारा दर्शन तो हो गया। काफ़ी थकाने वाला दिन रहा, काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लंबी लाइन थी। उसके बाद जाके हमको दर्शन करने का मौका मिला, वो भी सिर्फ 10 सेकंड के लिए, और उसके बाद वहाँ पर हम कैमरा यूज़ नहीं कर सकते। तो सॉरी, मैं उस चीज़ को तो रिकॉर्ड नहीं कर सका, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं मैक्सिमम कंटेंट में इस वीडियो में आपको दे पाऊँ। तो जब हम दर्शन कर चुके हैं, तो जब हम इस धाम में आते हैं तो हमको इस धाम की कहानी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इस जो धाम की कहानी है वो बहुत पुरानी है। मतलब ये समझ लीजिए, ये महाभारत काल की कहानी है इसकी। तो एक्चुअली मेरे साथ मेरे फ्रेंड है, और हम साथ ही ये पूरा जो है हम यहाँ पर दर्शन करने आए हुए हैं। तो मैं अभी उनसे बोलूँगा कि वो आपको यहाँ की कहानी बताए, और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यकीन मानिए आपको रियली बहुत मज़ा आएगा। जय श्री श्याम दोस्तों, मेरा नाम जगमोहन है और मैं दिल्ली का निवासी हूँ। अब आते हम कई बार हैं, मगर हमें ये नहीं पता होता है कि बाबा के धाम के बारे में क्या प्रचलित कहानी है, या क्या ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पर लोगों का आना स्टार्ट हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा, ये बात है महाभारत टाइम की। वीर बर्बरिक जी हुआ करते हैं, भीम जी के ग्रैंडसन। जब महाभारत काल का आक्रमण चल रहा था, तो कृष्ण भगवान अर्जुन की तरफ थे। तो वीर बर्बरिक जी को ये पता नहीं था कि कौन हार रहा है या कौन जीत रहा है। तो उन्होंने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और बोला कि माँ, मैं युद्ध में जाऊंगा और जो हार रहा होगा मैं उसको जिताऊंगा। वीर बर्बरिक को ये पता था कि अर्जुन के पास सेना कम है, पावर कम है, तो अपोजिट साइड पे ज़्यादा है, जबकि जीत रहे थे अर्जुन, क्योंकि कृष्ण भगवानों के साथ थे। कृष्ण भगवान को अपने शक्ति से ज्ञात हुआ कि वीर बर्बरिक जी आक्रमण के लिए आ रहे हैं, और जो हार रहा होगा उसको जिताएंगे। तो कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का वेश धर के वीर बर्बरिक जी को रास्ते में मिले। उनसे उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज, आक्रमण हो रहा है और जो हार रहा है मैं उसको जिताने के लिए जा रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा, आपके पास तो 3 धनुष हैं, आप इससे कैसे जीतोगे? तो उन्होंने कहा वीर बर्बरिक जी ने कि मैं एक ही तीर से पूरा आक्रमण समाप्त कर दूँगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा, ये आप कैसे मुमकिन कर सकते हैं, करके दिखाइए। तब वीर बर्बरिक जी ने एक धनुष चढ़ाया, और उसको जब छोड़ा तो उन्होंने बोला कि जितने पेड़ की पत्तियां हैं मैं सबको छेद दूंगा। तो कृष्ण भगवान ने पहले ही एक पत्ती अपने पैरों के नीचे रख ली थी। तो सब पत्तियों को जब वो धनुष छेदता चला गया, लास्ट में वो कृष्ण भगवान के पैरों के पास आकर रुक गया। तो वीर बर्बरिक जी को ज्ञात हुआ कि ये कोई महान शक्ति हैं,
जो मेरा अतीत इनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है मगर इनके पास आके रुक गया है। तब उन्होंने विनती करी कि हे महाराज, आप कौन हैं अपने बारे में बताइए और अपना पैर हटाइए, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, ये आपके पास आके रुक गया है। तब कृष्ण भगवान उनकी इस शक्ति से बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए। तब कृष्ण भगवान ने बोला कि मेरे को आपकी शक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी, मगर आप किसको जिताना पसंद करोगे? तो उन्होंने कहा कि जो हार रहा होगा मैं उनको जिताऊंगा। तब कृष्ण भगवान ने बोला कि कलयुग के अवतार के लिए किसी एक प्राणी के शीश के दान की बहुत ज़रूरत है। कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं अपना दान शीश का दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को ये महाभारत की रचना रची है। तो आप बचते हैं तीसरे वो शख्स जो आप शीश का दान करेंगे। तो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे वीरबलवर्ग जी ने अपना सर धड़ से अलग कर दिया, कृष्ण भगवान को सौंप दिया। तब कृष्ण भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और तुम्हारे नाम का डंका बाजेगा और तुम्हारे नाम का लोग दुनिया तक जयकारे लगेंगे और सब आएंगे आपके दर्शन करने के लिए। अब सब यहाँ इस दर्शन को करने आते हैं क्योंकि शीश का दानी, तीन बार धारी, सब इन्हीं को बोलते हैं। काशी धाम गेस्ट हाउस। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा लंच भी यहाँ आ गया है और जैसा आप देख रहे हैं हम तीनों का यहाँ पर प्लेट लग चुका है और हमने बिल्कुल सादा थाली ऑर्डर की है और ये बहुत ही कम प्राइस में 80 रुपये में और एक अच्छा एडिक्वेट ये पूरा जो ये खाने की क्वांटिटी है और अच्छा है। तो आप यहाँ आ सकते हैं, बड़ा अच्छा ही यहाँ का जो बैठने का अरेंजमेंट है। और अगर आप यहाँ पर आके फ्रेश होना चाहते हैं, नहाना धोना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं तो भी यहाँ पर फैसिलिटी है। तो अब मैं यहाँ खाना खाता हूँ और अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाता हूँ, तो मिलता हूँ आपको खाना खाने के बाद। सो फ्रेंड्स, अगर आप खाटू श्याम जी घूमने के टोटल खर्च की बात करें तो ये काफ़ी कम है। इसमें बड़ा भाग आपके आने जाने का बस, ट्रेन या प्लेन का खर्च होता है, बाकी आपके खाने पीने का। क्योंकि अगर आप यहाँ सुबह सुबह पहुँच जाते हैं तो शाम को आप दर्शन कर अपने घर लौट सकते हैं, और अगर आप यहाँ एक रात रुकना चाहते हैं तो आपका खर्च थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर होटल लगभग 500 से शुरू हो जाते हैं और आपके बजट के अनुसार 1000-1500 तक मिल जाते हैं। और अगर आप जितना मंदिर के नज़दीक रहेंगे उतना ही आपको होटल खर्च ज़्यादा आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मंदिर से थोड़ा सा दूर रूम लें ताकि आपको रहने पर खर्चा थोड़ा कम आए। अगर आप मेरी बात करें तो मैंने दिल्ली से खाटू श्याम जी के लिए बस का आने जाने का टिकट लिया था जो लगभग 1000 रुपये का था और लगभग 600 रुपये मुझे और खर्च हो गए खाने पीने में और गिफ्ट आइटम्स में। तो अगर इस तरह से आप देखेंगे तो मेरा टोटल खर्च 2000 से भी कम का था। तो दोस्तों, खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो साल के 365 दिन खुला होता है और 24 घंटे आपको खुला मिलता है। आप कभी भी यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। कुछ खास दिनों में जैसे फागुन पूर्णिमा के टाइम और एकादशी के टाइम और कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। तो आप अपना प्लान उसी हिसाब से कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको सहूलियत हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार इस चैनल के साथ बनाए रखें। जय खाटू श्याम जी की।